छठे चरण में आप सबको मतदान करना है। भाइयों बहनों, पांच चरणों का रुझान बहुत स्पष्ट कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे जा चुकी है। अब तो हमें छठे और सातवें चरण में चौका और छक्का लगा करके एक दमदार सरकार बनाने के लिए 2017 के रिकॉर्ड के बराबर सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिलानी है। और इसीलिए मैं आज आपके बलरामपुर जिले में आया हूं। भाइयों बहनों, बलरामपुर जिला सीमावर्ती जिला है। मुझे एक बात बताओ, क्या 2017 के पहले यहां लाइट आती थी? यहां वाले भी उधर वाले भी बोले क्या 2017 के बाद लाइट आ रही है? भाइयों बहनों, पहले 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, समझ गए ना? ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, होली दीपावली और नवरात्रि के दौरान बिजली गायब हो जाती थी। हमने बिजली सबको बिजली और पर्याप्त बिजली दी, बिजली की कोई किल्लत नहीं है ना। और यही नहीं, श्री कैलाशनाथ शुक्ला जी ने जितने मजरों के बारे में कहा उतने मजरों में विद्युतीकरण का काम भी हम लोगों ने कराया। गांव गांव में बिजली दी, फ्री में बिजली दी। इन लोगों ने जितने लोगों के लिए कहा, इन गरीबों को मकान मिलना चाहिए, उनको दिया गया। और इनको मैंने ये भी कहा है कि और भी गरीबों की सूची बनाइए, थारू है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान कौन से बड़े कार्य हुए हैं, जनता को कैसे लाभ मिला है, इसके बारे में खुद सीएम योगी जानकारी दे रहे थे। क्योंकि छठे चरण का रण है, सातवां अभी बाकी है, इसी को लेकर बातचीत कर रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। लाखों लोगों की मौत हुई है, उन सभी के प्रति हमारी संवेदना है। भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना का काम जिस गति से हुआ है और देखने लायक है, दुनिया उसकी सराहना कर रही है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है यहां? वैक्सीन उधर कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? सभी लोग ले लिए हैं। मुझे एक बात बताओ, ये वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा? सैलू ने या शुक्ला जी ने किसी ने पैसा तो नहीं मांगा? अगर सपा बसपा की सरकार होती, ये वैक्सीन बाजार में ब्लैक हो जाती, हो जाती ना। वैसे ही जैसे डबल सरकार है और डबल दो बार राशन दे रही कि नहीं दे रही है, राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्या 17 के पहले भी मिलता था क्या? 17 के पहले ये राशन सब कौन खाता था? सपा की सरकार रहती थी तो सपा की गुर्के खा जाते थे, और बसपा की सरकार रहती थी तो बसपा की सरकार बसपा के हाथे का तो पेटी इतना बड़ा है कि पूरे प्रदेश का राशन ही वहां समा जाता था। आज आप देख रहे होंगे सबको राशन,
फ्री में राशन, और राशन के साथ दाल भी है, रिफाइंड तेल भी है और नमक भी है ना, सबको मिल रहा है ना। भाइयों बहनों, ये काम पहले भी किया जा सकता था, किया जा सकता था ना, लेकिन पिछली सरकारों के मन में कोई संवेदना नहीं थी, विकास के लिए संवेदना नहीं थी, गरीब के लिए संवेदना नहीं थी। मुझे यहां जब मां पाटेश्वरी के दर्शन करने के लिए गोंडा की तरफ से आना होता था तो गोंडा से तुलसीपुर पहुंचने में मुझे 2 से 2.5 घंटे लगते थे, 2 से 2.5 घंटे, और आज मैं एक दिन आया वहां से मात्र 45 मिनट में गोंडा से मैं तुलसीपुर पहुंच गया। फर्क आ रहा है ना नजर। भाइयों बहनों, विकास भी कराया, जहां पॉलिटेक्निक खुलना था पॉलिटेक्निक, जहां पर सड़क बननी थी सड़क, जहां बिजली जानी थी वहां बिजली, जहां पर जो कार्य था। मुझे एक बात बताओ, 2017 के पहले तो पर्व और त्योहार भी हम ठीक ढंग से नहीं मना पाते थे, हर पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता था, दंगा शुरू हो जाता था। 17 के बाद कोई दंगा हुआ है क्या? कोई दंगा कर पाएगा क्या? हर दंगाई को मालूम है कि दंगा करेंगे तो पोस्टर लग जाएंगे, वसूली शुरू हो जाएगी, कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कोई भय के मारे दंगा अब नहीं करता है। अब कर्फ्यू की जगह किसने ले लिया? कांवड़ यात्रा ने कर्फ्यू की जगह, और जो